हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आया है, आंसर किया है। तो 20 फरवरी को ये हुआ था, 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक। तो ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम, और शिफ्ट में हम जो देख रहे हैं वो आपका मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो भाई, यहाँ से आपका मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो रखा है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना काम। बेलकोला के 72 बाइंडर्स, जो 72% है, वो 720 बुक 22 दिन में बाइंड करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी बाइंडर, कितने बाइंडर लगेंगे 660 बुक और दिन। तो ये तो आपका क्या है, मैन। ये आपका क्या है, वर्क। ये आपका क्या है, टाइम। ठीक है, तो आप ठीक है, तो कुछ इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एम इंटू टाइम डिवाइड बाई वर्क करते हैं। जितने भी हो उन सभी को रिलेशन बना दो। तो 72 गुना 22 टाइम हो गया डिवाइड बाय 720 इज इक्वल टू, दूसरा टाइम लो, बाइंडर्स चाहिए मतलब एक्स चाहिए, इंटू में 12 डिवाइड बाय 660। 0 से 0 कटा, 72 से 1 पर गया। ठीक है, और ये आपका 6, ये आपका 11, 6 से 1 11। तो एक्स इज इक्वल टू 121 आपका राइट आंसर दे देगा, अगर उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एसपी ऑफ टेबल इतना है, प्रॉफिट इतना परसेंटेज गेन किया, तो कॉस्ट प्राइस बताओ। तो प्रॉफिट कितना गेन किया है, 25% मतलब 1/4% का। ठीक है, तो 4 से कितना गया, अगर ये सीपी है ही, एसपी कितना गया, प्रॉफिट गेन किया तो 1 रुपए का, तो 5 रुपए हो गए। 5 की वैल्यू आपके पास 6 8 7 5। ठीक है, राइट। तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 1 और 183। ओके, और कितना हो गया, कितना हो गया, 3 3 7 5 7 35। ठीक है, 2 5 5 1375 से इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए। 75 चौके कितना होता है, 300। ठीक है, 75 चौके आपका 300 हो जाएगा। 3 13 चौक 52 52 और 3 55 55 सौ आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, बोला 25% ऑफ 20% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू दैट, तो 35% हमें चाहिए। ठीक है, तो एक्स 25% मतलब 1/4, इसका 1/5। ठीक है, ऑफ एक्स, एक्स का 1/4 इंटू 1/5, 250 के इक्वल। तो एक्स अपना कितना है, 250 गुना 5 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, ये दल है, मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा। अभी 35% आपको चाहिए इस नंबर का, 35% आपको चाहिए। अब सॉल्व करिए, 1 0 से 1 0 कटा, 5 से आपका 2 कटा, 2 से आपको ये 2 कटा, तो 25 दूनी 50, 50 गुना 35 हमने करना है, तो जो इसका आंसर आएगा 1750 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्वप्निल कैन बिल्ड ए सोफा 16 दिन, वर्किंग टूगेदर रेवाठी, ही फिनिश इतने दिन में। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज रेवाठी टू कंप्लीट द वर्क। चलो देखते हैं, एस जो है वो 16 दिन में कर रहा है, और ये दोनों मिलके कितने दिन में कर रहा है, 128/17। ठीक है, दोनों के साथ 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 17 आठ जाएगा, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। ठीक, ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ, चलो अभी सोल्व नहीं करते। और अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन एलसीएम यूज करेंगे, तो 16 8 बजाता 16 8 होता है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 गुना 17 की, क्योंकि ये टोटल काम हो गया, 16 गुना 17 गुना 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 8 यहाँ पर 17 आ जाएगा। राइट, तो आप चेक करिए, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इनकी एफिशिएंसी आपकी देखोगे तो डिफरेंस हो जाएगा 17 माइनस 8, क्योंकि हमने क्या निकालना, आर का, और आर का कैसे निकालोगे, आर माइनस आर प्लस एस माइनस एस ही तो करोगे, तो आर का कितना आ जाएगा, 9, तो नीचे 9 आना चाहिए, कट करो कट करो, यहाँ तो आएगा नहीं, यह आपका आंसर। ठीक है, बाकी आप सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
9,000 जो है रेंट लिया गया, रेट 80% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, तो 80% का हाफ कितना होता है 40%, तो 40% 40% के दो ले लिए, ठीक है। और कितने टाइम के लिए, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ, 12 मंथ मतलब 2 बार के लिए, ठीक है। ओके, 40 40% के दो है, तो 40% आपका कितना होता है, 40% आपका होता है 2/5, तो यहाँ पर प्रिंसिपल, यहाँ पर अपना अमाउंट, तो यहाँ से 5, तो 2 लगा दो 7, फिर 5 7, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करो 25, इधर से 49 आ जाएगा, ठीक। अब 25 और 49 का डिफरेंस जो आएगा वो आपका क्या आएगा, सी आएगा। ओके, तो 25 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9,000, कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 25 दूनी 25 थी ये 75, और आपका 15 150 छिक्के पे, ओके 360 से मल्टीप्लाई किया होगा, इधर भी आप 360 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, राइट, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो करिए 360 से 0 24 छिक, 24 छिक 144, 24 थी ये 72, 72 और 14 आपका कितना हो जाएगा, 86, 86 140 आपका राइट आंसर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 720, एचसीएफ कितना, 4, एलसीएम निकालना, तो एलसीएम आपने निकाला होगा कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दो डिवाइड बाय एचसीएफ कर दो, तो 720 डिवाइड बाय 4, 4 से कट करो कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बोला कि 45% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15% ऑफ वाई, 45% को नहीं लिख रहा, इनटू एक्स इज इक्वल टू 15% ऑफ वाई, 15 से कट करो 1 3, एक्स वाई का रेशियो निकालना, तो एक्स बटे वाई इधर आ जाएगा, तो 1/3, 1/3 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन, बिल्कुल एज इट इज है, प्रॉफिट और लॉस बताना है, जो पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल एज इट इज करना है। सीपी ऑफ 6 पेन इज इक्वल टू एसपी ऑफ 5 पेन, ठीक है। एसपी को इधर लीजिए, सॉरी सिप किसी को भी ले जाइए आप, तो एसपी को इधर ले जाते हैं, सीपी बटे एसपी इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। सीपी आपका ये है, एसपी है आपका, डिफरेंस चेक करिए 1, मतलब 5 रुपए की चीज 6 में बेचे तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा तो लॉस को हटाओ यहाँ से, ठीक है। कितना प्रॉफिट होगा, एक का प्रॉफिट है कितने में, 5 पे गुना 100 कर दीजिए परसेंटेज के लिए, 20 आपका राइट आंसर दे देगा, इसको हटाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमपी ऑफ आर्टिकल 60% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन, राइट, एमपी एसपी सीपी 60% है ज्यादा, ठीक है, सीपी से, तो ये 3/5 हो जाएगा, तो अगर सीपी आपका 5 है, 3 ज्यादा हो जाएगा 8 हो जाएगा, राइट, 20% का डिस्काउंट है, 20% का मतलब 1/5 का डिस्काउंट है, तो 1/5 का डिस्काउंट लगा दीजिए, तो इसमें क्या करेंगे, 5 का डिस्काउंट है तो एमपी जो होगा रियल होगा 5, और 1 का डिस्काउंट कर दिया मतलब 5 में से 4 रुपए में ये चीज देगी, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितना हो जाएगा, तो पहले इसको क्लियर करें, अगर ऊपर नीचे एमपी को सेम बनाए तो यहां से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 आ जाएगा, अगर इधर सेम बनाएंगे तो 8 होगा, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई, ये तो सेम आ जाएगा, तो हमें प्रॉफिट चाहिए इन दोनों का मतलब, तो 32 और 25 कितने का है, 7 का, राइट, तो 7 का किसने पे, सीपी पे, सीपी गुना में 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25 चौके, राइट, 4 7 28, 28 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, जबकि रेडियस इतना दे रखा, हाइट इतना दे रखा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सीधा सा फॉर्मूला है, ठीक है, मैं वो किसी एक चीज का यूज ही नहीं कर रहा, मैं यूज करूंगा 22 का, 22/7 आपको यहाँ दिखाई देगा, और 22 को हम क्या लिखते हैं, 11, ठीक है, 11, 11 का मल्टीपल रूल आपको पता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम करके डिफरेंस कर दो 0 या 11 आना चाहिए, 6 6 12,
और 1, 12 में से 1 गया, 11, ये हो सकता है। 6 और 2, 8, 8 और 4, 8 में से 4 गया, 4, ये नहीं होगा। 5 और 3, 8, 8 में से 9 गया, 1, 1 का डिफरेंस नहीं होगा। 6 और 5, 8, और 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया, 5, ये भी नहीं होगा। मैंने फॉर्मूला लगाया ही नहीं, आप बाकी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन है, लेंथ है 384 मीटर, क्रॉस कर रही है एक इलेक्ट्रिक पोल को 12 सेकंड में। क्रॉस अनदर ट्रेन सेम लेंथ, जिसकी सेम लेंथ है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों की स्पीड को हम प्लस करेंगे 12, तो स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। तो फर्स्ट कंडीशन से हम स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्या है, सेकंड क्या, मीटर पर सेकंड में स्पीड, याद रखना। तो इलेक्ट्रिक पोल की कोई हम डिस्टेंस नहीं मानते, इलेक्ट्रिक पोल हो गया, मैन हो गया, पर्सन हो गया, कुछ इस तरह से। तो 384 सीधा स्पीड का आंसर लगा दो, 384 बटे 12, 12 से कट करो, कितना आ जाएगा, 12 3 36, 12 2 24, ठीक है, 25 आ गया। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन आ गया आपकी, ठीक है, हमें स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन निकालनी है। तो आप बोला कि सेम लेंथ की दूसरी ट्रेन, मतलब ये भी आपके 384 और दूसरी भी आपकी 384, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये 12 सेकंड में कवर कर रही है, 12 सेकंड में। इतना करने पर ये क्या होगा, 32 प्लस x दे देगा, x को हम सेकंड ट्रेन की लेंथ मान लेंगे। तो 12 से कट करो, 12 3 है, ओके, ये भी 12 सेकंड से, तो 32, राइट, यहाँ पर 64 आ जाएगा, 64 32 प्लस x, तो 32 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 32 आपका राइट आंसर दे देगा। क्या बात, स्पीड भी सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिफोर 32, 32 से पहले प्राइम नंबर चाहिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 11 के बाद कौन सा, 13 हो गया, और 13 के बाद आपका 17 हो गया, 17 के बाद आपका 19 हो गया, 19 के बाद आपका 23 हो जाता है, 23 के पास आपका 29 हो जाता है, फिर आपका 31 हो जाता है। इनका एवरेज चाहिए आपको, और एवरेज के लिए मैं बोलता हूं कि भाई कोई एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो आपका क्या हो, लेट कर दे, तो हम बीच का ही ले लेते हैं। तो 5 यहां से हटाए तो 4 यहां से, 5 यहां से, तो हमने 13 ले लिया, ठीक है, हमने 13 ले लिया। 13 में कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा वो ये चीज चेक करेगी। तो 2 से 13 बनाएंगे तो 13, 2 को 13 बनाएंगे तो +11 होगा, 3 को 13 बनाएंगे तो +10 होगा, 5 को 13 बनाएंगे +8 होगा, 7 को 13 बनाएंगे तो, 7 को 13 बनाएंगे तो +6, 11 को 13 बनाएंगे तो +2, 17 को 13 बनाएंगे तो -6, 19 को 13 बनाएंगे तो -6, 23 को 13 बनाएंगे -10, 29 को 13 बनाएंगे -16, 31 को 13 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, -18, ठीक है। तो आपका 10 गया, ओके, 6 गया, 6 गया, ओके, 11 और 2 13, तो 13 को इसमें से माइनस करिए और यहां से आपका आ गया -5, ओके, -5 आया ना, हाँ ठीक है, राइट। अब अगर प्लस आता तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं, 1 मिनट, अभी तो बचा हुआ ना, 8 तो बचा है, ओके, 8 अगर ये इन दोनों को ऐड करोगे तो -9 हो गया, और 8 को करोगे तो -1 हो गया, तो इधर से टोटल -17 बचा और ये सारा कैंसिल आउट। अब -17 है, ठीक है, -17 है, तो -17 किससे डिवाइड करेंगे हम, अब ये माइनस का है तो इधर हम प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 11 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 11 1 जाए 11, तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 14 पॉइंट यही पर, ठीक है, आप चेक करिए, आपका 6 0 4, आपका 5 आ जाएगा, तो 1.5 आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 32, 5 नंबर का एवरेज 32 है, टोटल कितना हो गया, 160 हो गया। 1 नंबर इज रिमूव, अगर एक नंबर रिमूव कर दिया एवरेज 28 हो जाता है, तो एक नंबर रिमूव कर दिया तो एवरेज कितना हो गया, 28 हो गया। रिमूव नंबर बताना है तो 28 चौक,
112 जो माइनस करिए, यहां से माइनस करो एक, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होम 1003 चॉकलेट, कितने कैंडीड हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो सेम नंबर ऑफ ईच, जितने बच्चे हैं उतने ही क्या है कैंडीज हमने डिवाइड की। भाई इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर का हमने एचसीएफ लेना है, सिंपल सी बात ये बोला गया। तो जिस नंबर से सारे डिवाइड हो जाए ना दोनों, तो उस नंबर को ट्राई करिए। ठीक है, या फिर अपनी तरफ से सिंपल प्रोसेस स्टार्ट करिए। 2703 यहाँ पर रखिए, 1003 यहाँ पर रखिए, एक पे गया सॉरी दो पे गया, तो यहाँ से 2006 आ गया, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ से 13 6 गए 9, और ये आपका 9, ओके यहाँ से 6 आया सॉरी 13 6 गए 7 हो गए, राइट। फिर यहां से ऐसे चलते जाओ, ठीक है ऐसे चलते जाओ, तो ये जो प्रोसेस होगा ना बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए। ठीक, तो इससे बचने के लिए मैं क्या कहता हूँ कि सारे ऑप्शन को ट्राई करो, डिवाइड कर लो। ठीक है, तो अपने ऑप्शन के ट्राई करते हैं, 17 से तो ये डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो हम और ऑप्शन ट्राई करते हैं, कोई भी 19 ले लेते हैं, 19 19 19 लीजिए, 19 5 95 होता है। ठीक, तो यहां से कितना है 503, क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन कट गया। 29 आप ट्राई करिए, 33 से भी ट्राई करिए, 33 से मैं करता हूं तो 33 3 99 आएगा, 1 और 13 नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से कट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर इस तरह से सिंपल तरीके से सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि प्राइस ऑफ 3 नोटबुक और 6 पेन का 3000 है, तो नोटबुक को एन ले लेते हैं और 6 पेन को सॉरी 3 है ना, तो 3000, तो यहां से 3 सबसे कॉमन लिया, 3 यहां से हटाया, 3 यहां से हटाया, 3 यहां से हटा देंगे, तो एन प्लस 6 2p, तो 3 गुना 2 होता है ना 2p इजिकल टू यहां से 1000 कुछ। ओके, विथ सेम मनी इसी रुपये में कैन बाई ए नोटबुक और 12 पेन, एक नोटबुक और 12 पेन लिया। ठीक है, राजू वांट्स बाई 15 पेन, ओके तो बोला कि इसी रुपए में एक नोटबुक प्लस में 12 पेन लिया, जो कि आपकी सेम मनी में 3000 में है। ठीक है, तो अब एक काम करो, इन दोनों को आप माइनस करा दीजिए, जैसे आप माइनस कराओगे तो सारे माइनस हो जाएंगे, तो एन से एन कटा, 2p-12p -10p हो जाएगा, और इधर से 1000 में से -3000 करोगे तो माइनस कर 2000 कुछ, तो ये दोनों कट गए, राइट। 10 का अगर ये है तो 5 पेन का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 1000, और तो 15 पेन इसने पूछा, आप चेक करिए तो कितना हो जाएगा 3000, 3000 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 50%, रेडियस अगर हम 50% बढ़ा देते हैं किसी स्फीयर की, तो 50% का मतलब 1/2, 2 से 3 कर दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, वॉल्यूम आप देखिए, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 πr³ होता है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, इसका कोई काम नहीं, इसका काम है, तो 2 से 3 हो गया, तो मतलब इसका क्यूब हो गया, इसका क्यूब हो गया, तो 8 27 कितना इंक्रीज हुआ, आप देखिए कितना इंक्रीज हुआ, 19 इंक्रीज हुआ। ठीक है, 19 इंक्रीज हुआ कितने पे, 8 पे गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 2 नहीं 25, 25 निम कितना होता है, 25 निम होता आपका 25 निम 225। ठीक है, 25 एकम 25, 25 और 22 आपका कितना हो जाएगा, 25 और 22 47। ओके, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करो, 2 3 7, 2 3 7 आएगा, ये कट ये कट ये कट, ये आपका आंसर। ठीक है, बाकी आगे खुद सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक ट्रेडमार्क करता अपने सामान पर 50% कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ऑफर 20% का डिस्काउंट देता है, परसेंटेज प्रॉफिट बताना ट्रेडर का कितना हो जाएगा,
वेट वेट प्रॉफिट द ट्रेडर मेक्स आफ्टर ओपनिंग द डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद कितना देता है? तो भाई देखो, एसपी, सीपी और एमपी हो गए। बोला कि सीपी से 50% ज्यादा, तो 50% मतलब 1/2। अगर 2 ये है तो 1 लगा के 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 20% का डिस्काउंट मतलब 1/5, तो 5 ये है आपका, और 1 डिस्काउंट दिया तो यहाँ पर 4 आ गए, ठीक है। एमपी सेम कर लीजिए, एमपी सेम करिए, क्योंकि हमें प्रॉफिट बताना है तो इन दोनों का यूज करना है। तो यहाँ से 5, तो इधर से भी 5, इधर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, एमपी सेम हो गया, इधर 3 मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका 12, ये 10, कितना? 2, राइट। 2 का किस पे? एमपी पर, सीपी पर, इंटू में 100, तो यहाँ से 20% आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8400 रुपये को कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया, तो 2/3, 3 और 1/3, तो डिवाइड क्या मतलब, नीचे एलसीएम सेम ले लो, और ये आपका कितना आ जाएगा, 2:9:1। तो अब इसका कोई काम नहीं, यहां से रेशियो डिवाइड किया गया पी क्यू आर में, टोटल कितना हो गया? टोटल आप देखोगे, टोटल आप देखोगे कितना हो गया, 9 और 1 10, और तो 12 12 12 की वैल्यू 8400 दी गई है, कितने से मल्टीप्लाई की? 700 से, ठीक है। किसका बताना? आर का, तो 1 के साथ हम 700 की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना आएगा? 700 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ दैट, तो 0.1% का मतलब 0.01 हो गया स्क्वेयर है, प्लस में इसका स्क्वेयर 0.0001, क्योंकि डिजिट के बाद जितने भी डेसिमल नंबर, सॉरी डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आते हैं उसका डबल हो जाता है स्क्वेयर में, क्यूब में ट्रिपल हो, क्यूब में ट्रिपल हो जाता है, ठीक। यहाँ पर आप चेक करिए, ओके, जैसे हमने 2 लगा दी, इसको ऐड करना 1010.0, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला कि सिंपल इंटरेस्ट जो है रिसीव होता है सम, एक सम पर 5 साल के लिए 2/5 उसके सम का, ठीक है। तो 2/5 है, तो रेट हमें निकालना, तो ये आपका एस आई हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल होता है, तो एस आई आपका 2 मिला, प्रिंसिपल 5 है, टाइम कितना? 5 साल, गुना में रेट आपको निकालना, डिवाइड बाय 100 करके, तो 25 चौके 100, तो आर इज इक्वल टू 4 × 2 8, 8% आपका राइट आंसर दे देगा। तो ये थे आज के इस वीडियो के 20 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।